आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रेरणादायी संदेश प्राप्त हुआ है। मैं माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के आशीर्वचन संदेश का पाठ करने की कृपा करें। राष्ट्रपति भारत गणतंत्र संदेश। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। बीते 7 दशकों के दौरान हमारी संसद अनेक परिवर्तनकारी विधायी प्रयासों की धुरी रही है। संसद ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जिनसे हमारे करोड़ों देशवासियों के जीवन को संवारना संभव हो सका है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा यह महत्वपूर्ण आयोजन हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण और विस्तार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह हमारे देशवासियों की सामूहिक आशाओं व आकांक्षाओं से आलोकित उज्ज्वल भविष्य की दिशा में हमारे राष्ट्र को अग्रसर करने की ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान के शिल्पकारों ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद के विधायी विवेक के आधार पर निर्मित होगा। इसलिए मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि नए संसद भवन का अनावरण हम सभी के बीच एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की हृदय से सराहना करती हूं जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र के जीवंत प्रतीक इस भवन का निर्माण कार्य संपन्न करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। इनके अनथक प्रयासों की स्मृति देशवासियों के मनोमस्तिष्क में सदैव अंकित रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि नवनिर्मित संसद भवन भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं और आदर्शों के अनुरूप नए प्रतिमान स्थापित करे। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हस्ताक्षर है। 26 मई 2023 नई दिल्ली।